हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना जो आज का लेक्चर है वो अपने पढ़ेंगे क्रो फिजियोलॉजी के बारे में, यानी क्रो फिजियोलॉजी क्या होती है, उसमें प्लांट की कौन कौन सी जो प्रोसेस होती है वो होती है। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, किस कारण से होती है, वो सब अपने क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। यानी जैसे कि मान लो अगर क्लोरोफिल सेल में नहीं है, प्लांट सेल, सबसे पहले बात करते हैं हमने प्लांट सेल की। प्लांट सेल क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो वो क्या है अपने आज पढ़ेंगे कि प्लांट सेल क्या होती है। तो अपना आज का जो है अपने कह सकते हैं क्रो फिजियोलॉजी का टॉपिक है प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या करती है, उसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे क्या होता है, क्लोरोफिल वाटर प्लस CO2 की प्रेजेंस होती है, उसमें क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो होती है वो करता है। अब अपने बात करते हैं इसकी प्लांट सेल की बात। तो प्लांट सेल की अगर अपने बात करें तो प्लांट के साइज और फैमिलीज के हिसाब पे क्या होती है, प्लांट सेल होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो जो न्यूक्लियस की संख्या मान लो, या जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो, क्लोरोफिल की संख्या मान लो, वो सब क्या होती है, उन पे क्या है, अलग अलग नेचर की होती है, नेचर के आधार पे। या फिर प्लांट की फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है, प्लांट की जो सिमिलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो सबकी एक होती है। यानी सेल्स होती है वो डिफरेंस हो सकती है, लेकिन इनकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस है, वो सभी ग्रीन प्लांट में क्या होती है, सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर जो एनर्जी होती है उसमें, उसे किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी। यानी जो सूर्य से उन्हें प्रकाश मिलता है, सोलर जो एनर्जी होती है, सूर्य से मिलने वाली जो क्या होती है, सौर ऊर्जा जिसे अपने कहते हैं, सौर ऊर्जा होती है उसको किस में चेंज करते हैं, केमिकल में चेंज कर देते हैं। केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ये जो सेल्स होती है वो क्या होती है, यानी प्लांट सारे के सारे अपने को पता है नॉन मोटाइल होते हैं। वो क्या, उनके लिए ज़्यादातर अपने ग्रोथ की अगर बात करें, उनकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है, लाइट सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे मेजर जो इफेक्ट होता है वो माना जाता है। इसके साथ साथ में उनकी जो वैस्कुलर सिस्टम है उसे बनाए कर, उनकी मूवमेंट के लिए क्या होता है, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो होते हैं, और फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्लांट बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है, प्लांट की ग्रोथ जो होती है उस ग्रोथ के लिए क्या है, लाइट, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो, और साथ में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी मानी गई है। इसके अलावा ग्रीनलैंड, ग्रीन जो प्लांट होते हैं वो, उनका मैकेनिज्म होता है, उसको क्या होते हैं, अलग अलग अपने रूप से अवॉइड कर सकते हैं या फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी किस प्रकार से, जैसे कि प्लांट का ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा सामने, इसमें ऊपर का जो टिप होता है वो क्या होता है, इसकी पेनिकल या एपिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी शीर्ष क्षेत्र अपने कह सकते हैं इसको, शीर्ष का जो पार्ट होता है। उसके बाद नीचे की जहाँ से इसकी ये फ्लावर बनना शुरू होती है, इसे क्या बोलते हैं, एपेक्स पार्ट बोल सकते हैं, यानी नीचे ऊपर से थोड़ा सा नीचे का पार्ट ग्रीन होती है, वो क्या होती है, इसकी लीफ कहलाती है। इसके अलावा प्लांट जो होता है, अपने शुरू से बात करें, मैं सीधा बता देती हूँ, प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं, प्लांट की स्ट्रक्चर देखें, नीचे से देखना शुरू करें तो क्या होती है, रूट सिस्टम, तीन भागों में डिवाइड किया गया है प्लांट को, रूट, स्टेम और लीफ। मेन माने तो रूट, स्टेम और लीफ, तीन भागों में क्या है, प्लांट को डिवाइड किया गया है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनको। एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से होते हैं, जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होती है, फ्लावरिंग होती है, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में रखा गया है, एंजियोस्पर्म में रखा गया है। प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे एल्गी हो गई, उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, पांच कैटेगरी में प्लांट को बांटा गया है। तो अपने क्रो प्लांट की बात करें, यानी क्रो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म की बात करें, यानी सारे के सारे जो क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, जिनमें क्या होती है, पुष्प बनने की प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है, एंजियोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं। तो प्लांट को तीन भागों में बांटा गया है, लीफ, स्टेम और रूट। लीफ, स्टेम, रूट, हिंदी में लीफ यानी पत्ती, स्टेम तना और रूट यानी जड़ जो होती है उसे बोलते हैं। तो ये तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपने चलते हैं रूट पे। जैसे ही प्लांट का अंकुरण होता है, दो पार्ट निकलते हैं, मूलांकुर और
प्रांकुर। मूलांकुर क्या होता है? जिससे रूट की फॉर्मेशन होती है। प्रांकुर क्या होता है? यानी जैसे मान लो ये सीड है, ये ओपन होगा तो क्या होगी, दो स्ट्रक्चर ऐसी अपने को देखने को मिलेगी। ये क्या होता है? मूलांकुर, और ये प्रांकुर। मूलांकुर और प्रांकुर दो स्ट्रक्चर निकलती है। जो मूलांकुर होता है वो क्या करता है, रूट की फॉर्मेशन करता है, और प्रांकुर होता है वो क्या होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है यानी लीफ हो गई, स्टेम हो गई, इनकी फॉर्मेशन करता है। एपिकल जो पार्ट होता है यानी शीर्ष जो पार्ट होता है उसकी फॉर्मेशन ये करता है। तो रूट जो होती है उसका भी क्या है, आगे डिवाइडेशन होता है। यानी अगर अपनी बात करें तो रूट के भी क्या होते हैं, तीन क्षेत्र माने जाते हैं, यानी तीन प्रकार के क्या अपने कह सकते हैं, एरिया इसके माने जाते हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं रूट की स्ट्रक्चर की, अगर अपने बात करें तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, अपने को इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। रूट भी दो टाइप की होती है ना, एक होती है एडवांटेज रूट सिस्टम और एक होता है टेप रूट सिस्टम। एडवांटेज रूट सिस्टम जिसे अपने, या हिंदी में अपने बोले तो क्या होता है, जकड़ा, जड़, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, जो अपने कह सकते हैं टेप रूट सिस्टम को, जिसमें क्या होती है, एक सीधी स्ट्रक्चर बनती है, उसमें क्या होती है, ब्रांचेज नहीं होती है। जकड़ा जड़ होती है वो क्या होती है, जैसे ग्रामनी फैमिली के मेंबर में इस तरह की पाई जाती है। यानी उसमें क्या होती है, ये जो फिलामेंट्स होते हैं इसके, या फिर रूट के जो रेशे होते हैं, हेयर्स जिसे अपने कहते हैं, रूट हेयर बोलते हैं, यानी वो क्या होते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं। और जकड़ा जड़ का मतलब, टेप रूट सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि रूट है वो सीधी निकलेगी, एक या दो ब्रांचेस उसमें पाई जाएगी। रूट टेप क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, ये कौन सा हो गया, टेप रूट सिस्टम। तो ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म को, सॉरी ग्रामनी फैमिली को छोड़ के बाकी टेप रूट सिस्टम ही पाया जाता है। तो अपने बात करेंगे टेप रूट सिस्टम की। टेप रूट सिस्टम की अगर अपने बात करें तो ये तीन भागों में डिवाइड होता है। जैसे नीचे के पार्ट में क्या होती है, जो इसका नीचे का जो एरिया होता है रूट के, वहाँ पे क्या होती है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर यानी टोपीनुमा स्ट्रक्चर जिसे अपने कहते हैं, टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपने बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, रूट कैप कह सकते हैं इसे, रूट कैप कहा जाता है। ऊपर क्या होता है इसका, जहाँ पे सेल जो होती है वो क्या होती है, डिवाइडेशन होती रहती है। जैसे मियोसिस मीटोसिस प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, वैसे अपने अभी भी पढ़ेंगे इसके बारे में। मियोसिस मीटोसिस क्या होता है, अपने सिलेबस में है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन जिसे कहते हैं। तो नीचे का कुछ एरिया होता है इसे अपने बोलते हैं मेरिस्टमिक रीजन, या फिर हिंदी में अगर अपने देखें तो क्या होता है, ये ग्रोथ एरिया भी अपने कह सकते हैं, मेरिस्टमिक रीजन कहा जाता है इसे। मेरिस्टमिक रीजन का मतलब क्या हो गया कि जो जड़ होती है वो क्या होती है, बार बार डिवाइड होना शुरू कर देती है। यानी जड़ जो होती है वो बार बार क्या होती है, डिवाइड होना शुरू कर देती है। जैसे इसमें लिख रखा है प्राइमरी रूट और लैटरल रूट, यानी प्राइमरी रूट जो पहले पर आना शुरू कर देती है और लैटरल रूट जो बाद में आने की प्रोसेस जो होती है उसमें पाई जाती है। तो ये एरिया क्या कहलाता है, मेरिस्टेम। रेजन के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पे क्या होती है, सेल जो होती है वो बार बार डिवाइडेशन होती रहती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन से। एक सेल से होती है चार में डिवाइड हो गई, चार है वो आठ में डिवाइड हो गई, ऐसे क्या होता है, उनका डिवाइडेशन होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इसका जो ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, इसमें क्या होती है, जो यहाँ पे सेल बनी है यानी मेरिस्टेम जो सेल बनी है, या मेरिस्टेम जो रीजन होता है वहाँ पे जो सेल बनी है, वो क्या करती है, इलोंगेशन यानी लंबा होना शुरू कर देती है। लंबवत क्या होती है, वो विभाजन करना शुरू कर देती है। लंबवत विभाजन, या फिर लंबवत अपने विभाजन नहीं कह सकते, लंबवत वृद्धि करना शुरू कर देती है, सॉरी लंबवत जो वृद्धि होती है वो उसमें शुरू हो जाती है। यानी उनका इलोंगेशन होना शुरू हो जाता है, वो लंबा होना शुरू हो जाता है, जिसे अपने बोलते हैं इलोंगेशन रीजन, यानी लंबवत क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके बाद जो ये एरिया होता है यहाँ पे, जो
सबसे पहले क्या होगी, सेल में डिवाइडेशन होगी, यानी छोटी अवस्था में सेल बनेगी। उसके बाद वो सेल क्या करेगी, अपने साइज में ग्रो करेगी, अपने साइज को बढ़ाएगी। उसके ऊपर का जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेल यहाँ पे लॉन्ग हुई है, बड़ी हुई है, वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती रहती है और वो क्या करती है, परिपक्वन होना शुरू कर देती है, जिसे अपने बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र भी अपने क्या है इसे कह सकते हैं। यानी सेल होती है वो क्या है, मेच्योर होना शुरू कर देती है, परिपक्वन होना शुरू कर देती है। तो ये परिपक्वन जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या होती है, कुछ अपने को इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे अपने बोलते हैं रूट हेयर, जो कि क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर का मतलब क्या हो गया, यानी यूनिसेलुलर जिसे एक कोशिकीय कहते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय का मतलब क्या हो गया, ऐसी स्ट्रक्चर जो एक ही सेल से बनी हुई हो। यानी अगर पूरी स्ट्रक्चर जो है वो एक ही सेल से बनी होगी, वो कौन सी हो गई, एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर। दूसरी हो गई मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर जिसे अपने बोलते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब क्या हो गया कि ऐसी स्ट्रक्चर जो कि है मल्टी, यानी बहुत सारी, यानी अपने कह सकते हैं दो से लेकर कितनी भी हो सकती है, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी स्ट्रक्चर होगी, उतनी स्ट्रक्चर से बनी हुई, वो कौन सी होगी, मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर। तो इसके जो रूट हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, पतली स्ट्रक्चर होती है और एक कोशिकीय स्ट्रक्चर होती है, यानी एक ही कोशिका से क्या होते हैं ये बने हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, आसपास के जो न्यूट्रिशन हो गया या वाटर होते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं और ऊपर की तरफ पहुंचाते रहते हैं। तो ये हो गई अपनी रूट की स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैं प्लांट में आपको बता नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है वो बता दी, क्योंकि ये डायग्राम है थोड़ा काफ़ी छोटा दिख रहा है, इसको साफ रूप से देख नहीं सकते, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर हो गया ये क्या है, इसके रूट हेयर है। इन रूट हेयर को क्या है, अपने प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मान लो नीचे वाला जो एरिया है वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी, या फिर ये हो गया प्राइमरी, और ये हो गया जो लैटरल रूट सिस्टम है, यानी ब्रांचेज निकलना, कोई भी चीज़ की अगर ब्रांचेज निकल रही है वो क्या हो गया, लैटरल रूट अगर कह सकते हैं, या लैटरल जो स्पथ है उसका यूज किया जाता है। ऊपर का जो एरिया हो गया ये यहाँ से यहाँ तक का, इसे अपने क्या बोलते हैं, स्टेम। स्टेम स्टेम क्या होता है कि ये एक तो प्लांट को आधार प्रदान करता है, और स्टेम पे क्या होती है, नोड और इंटरनोड पाई जाती है। अब नोड और इंटरनोड क्या होती है, नोड और इंटरनोड की अगर अपने बात करें, नोड और इंटरनोड की बात करें तो नोड और इंटरनोड क्या होती है, नोड स्ट्रक्चर होती है जिसे अपने बोलते हैं संधि, ठीक है, और इंटरनोड परो संधि। यानी मान लो ये स्टेम है, पूरा स्टेम खड़ा हुआ है, इस पर क्या होती है, स्टेम जो है डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये है स्ट्रक्चर, ये क्या हो गई, नोड, जिसे अपने बोलते हैं संधि, यानी दो जो होगी स्ट्रक्चर उनको जोड़ने वाली। जैसे गन्ने की पोरियां देखी है, तो गन्ने की पोरियां, एक पोरी खत्म होती है दूसरी पोरी आती है, जहाँ पे उनके बीच का जो अपने कह सकते हैं कट होता है, या फिर उन दोनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और जो दो नोड हैं, दो नोड है, उन दोनों नोडों के बीच का जो एरिया होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, यानी ऊपर से लेकर ये दो नोड हो गई, इसका ये जो एरिया है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड। यानी दो नोडों के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इंटरनोड होता है। तो लगभग अपने एंजियोस्पर्म में होती है नोड और इंटरनोड स्टेम में पाई जाती है, क्रॉप की बात करें तो, ठीक है, ट्रीज की बात नहीं कर रहे अपने, सिर्फ जो क्रॉप होती है उनकी बात करें तो उनका जो स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता रहता है। खासकर ग्रैमनी फैमिली जो है, पोएसी या ग्रैमनी जो भी कह लो, उस फैमिली में क्या होती है, नोड और इंटरनोड पाई जाती है, जैसे गन्ने का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, नोड और इंटरनोड पाई जाती है, और इसकी जो नोड होती है वहाँ पे क्या होती है, लीफ निकलती है, ठीक है, जो प्रत्येक इंटरनोड होती है उस पर क्या होती है, लीफ निकलती है। अब लीफ के भी टाइप बहुत हो जाते हैं, लीफ के टाइप अपने नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपने देखेंगे कि नोड होती है वो क्या होती है, अल्टरनेट स्ट्रक्चर में क्या होती है, लगी हुई होती है। जैसे अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो क्या हो गया, एकांतर क्रम जिसे कह सकते हैं हिंदी में, या अल्टरनेट स्ट्रक्चर में क्या होती है, ये लगी हुई पाई जाती है। इनके बीच में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपने बोलते हैं बड, ठीक है, जिसे कलिका बोलते हैं। यानी यहाँ से या तो फ्लावर निकलेगा या फिर नई लीफ निकलेगी, दो लीफ के जो
कक्ष एरिया जो होता है वहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर निकल रही है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। वहाँ से फ्लावरिंग भी होती है। और कुछ प्लांट होते हैं उनके टिप पे फ्लावर बनते हैं जिसे अपने बोलते हैं शीर्ष फ्लावर, यानी पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट का जो टॉप एरिया होता है या फिर शीर्ष एरिया जो होता है वहाँ पे निकलना शुरू कर देते हैं जब उसकी फ्लावरिंग अवस्था आती है। तो ये हो गया अपना पूरा प्लांट के बारे में। अब जो लीफ होती है, लीफ की अगर अपने बात, स्टेम अपना देख लिया, स्टेम नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है, इलोंगेट होता है और प्लांट को क्या होता है, आधार प्रदान करता है जिस पे लीफ लगी हुई होती है। लीफ का मेन काम होता है, सबसे पहले अगर अपने देखें तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, हरित लवक अपने कह सकते हैं, लवक जिसे बोलते हैं। लवक होते हैं प्लांट में तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, ल्यूको, क्लोरोफिल और जो मल्टी कलर होता है वो। ल्यूको का मतलब क्या हो गया, जो कि क्या, कलर लेस हो, यानी जिसमें क्या है, कलर जो होता है वो पाया ही नहीं जाए, वो कौन सा हो गया, ल्यूको, क्लोरोफिल। दूसरा क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का हो वो कौन सा हो गया, क्लोरोफिल। और तीसरा जो हो गया मल्टी कलर, जिसमें क्या है बहुत सारे रेड कलर, ब्लू कलर, ब्राउन, ये कलर पाए जाते हैं, वो क्या उनसे हो गए मल्टी कलर, या फिर अपने कह सकते हैं कैरेटिन्स भी इनको बोला जाता है। तो ये क्या होती है, जो लीफ होती है उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, हरित लवक जिसे बोलते हैं, हरित लवक। हरित लवक क्या होती है, ग्रीन स्ट्रक्चर होती है और एक प्रकार की कोशिका अपने कह सकते हैं पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस प्रकार की क्या होती है, इसकी शेप होती है। अपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डबल वॉल्ड होती है। तो मैं आज आपको सिर्फ नॉर्मल बता देती हूँ कि प्लांट में क्या क्या होता है। तो ये क्या होती है, डबल वॉल्ड होती है और एक क्या है, अंडाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है, दो वॉल होती है, उनके बीच में स्पेस होता है जिसे इंट्रा क्लोरोफिल स्पेस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है जिसे क्लोरोफिल प्लाज्मिड या फिर जो भी है अपने कह सकते हैं। अब हरित लवक होता है वो भी क्या होता है, पांच प्रकार का होता है, जिसे अपने बोलते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई। ये पांच प्रकार का क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसे बढ़ाए रखता है या उसे नॉर्मल बनाने की प्रोसेस जो होती है उसे करता है। तो लीफ का मेन अगर अपने देखें तो क्या है, ये ग्रो, अगर मान लो कोई भी चीज़ है उसको फूड नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसको फूड नहीं मिलेगा तो वो क्या ग्रो कर सकता है, तो वो ग्रो नहीं कर सकता। तो प्लांट को क्या है, अगर सर्वाइव करना है या उसमें ग्रोथ होनी है, उसकी प्रोडक्शन अपने को मिलनी है, तो उसमें क्या है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसे अपने कहते हैं भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप में होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होती है, प्लांट में जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा बनाए रखनी भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी मानी जाती है। तो लीफ की स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो क्या है, प्लांट जो होते हैं, प्लांट में क्या होती है, सेल जो होती है वो क्या होती है, माइग्रेनेशन अगर अपने कह सकते हैं, छोटे आकार की होती है और प्रोस वाली जो सेल होती है उसमें क्या होती है, जुड़ी हुई पाई जाती है। और दो सेल जो होती है वो आपस में जुड़ी होती है, जैसे मान लो ये एक सेल है, इससे क्या होगी, पास वाली सेल है वो ऐसे जुड़ी होगी, इससे तीसरी जो सेल होगी वो ऐसे जुड़ी होगी। यानी प्लांट में क्या होती है, सेल जो होती है वो जुड़ी हुई पाई जाती है। तो इन सेल को जोड़ने का जो एरिया होता है, यानी ये एक दूसरे से जुड़ी जिससे होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो एनिमल डेवलपमेंट से क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, या फिर अपने कह सकते हैं उसमें सेल डिवाइडेशन या सेल इलोंगेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट पाया जाता है। जैसे अपने रूट की बात की थी, रूट में पहले एरिया हो गया मेरिस्टमिक रीजन, जिसमें क्या होती है, सेल जो होती है वो बार बार कटती रहती है और ग्रो करती है। दूसरा जो हो गया वो कौन सा हो गया, इलोंगेशन, जिसमें क्या होती है, सेल जो होती है वो अपना साइज बताती है। तीसरा जो रीजन हो गया उसमें परिपक्व होना शुरू कर देती है। तो इसमें क्या होता है, एनिमल के तरह इसमें सेल नहीं पाई जाती, इसमें सेल जो होती है उसमें क्या होती है, बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है जो हार्ड प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जो सेलुलोज की या पैक्टिन की बनी होती है। ज़्यादातर अपने क्रॉप फैमिली की अगर अपने बात कर रहे हैं तो क्रॉप फैमिली में किस किस बनी होती है, सेलुलोज जो होता है उससे बनी हुई सेल पाई जाती है, यानी सेलुलोज से बनी हुई सेल जो होती है उसमें पाई जाती है।
ये क्या होती है, इसमें क्या सेल डिवीजन होता रहता है और सेल जो होती है वो क्या होती है, इलोंग होना शुरू कर देती है, लंबवत वृद्धि करना शुरू कर देती है। अब प्लांट जो सेल जो होती है उसमें क्या होती है, टू टाइप की सेल वॉल पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, टिपिकल प्रकार की होती है, थिन होती है और उसके करैक्टरिस्टिक अगर आपने देखे तो यंग और जो ग्रोइंग सेल होती है उनमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, यानी टिपिकल प्रकार की थिन प्रकार की सेल होती है। सेकेंडरी सेल होती है वो क्या होती है, थिकिंग और स्ट्रॉन्ग होती है, यानी थोड़ी हार्ड होती है, जो कि क्या होती है, इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है उसे बनाए रखती है, उसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखती है, उसे बाहर नहीं आने देती। और प्राइमरी से जो यानी सेकेंडरी होती है वो प्राइमरी से क्या होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है और साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, जो कि सेल को क्या करती है, एक आकार प्रदान करने की बात कर लो या फिर उसे एक प्रकार का सहारा प्रदान करने की बात कर लो, उसे बनाए रखती है। सेकेंडरी सेल वॉल ही क्या करती है, सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो तो लगभग सेलुलोज की बनी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, लिग्निन की बनी हो सकती है, एक बोटल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लू लाइक मटेरियल से क्या होती है ये बनी हुई होती है, जिससे क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या है, जो अंदर की तरफ जो पाया जाता है ना इसका प्लाज्मा, जिसे एक स्ट्रक्चर प्रदान करने का काम करती है। तो ये हो गई इसकी सेल वॉल के बारे में। अब प्लांट की पूरी स्ट्रक्चर अपने पहले भी देख चुके हैं, अब मैं आपको डायग्राम में और दिखा देती हूँ। जैसे रूट की बात की थी, रूट कैप, जो रूट कैप का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, बाहर से जितने भी अपने जैसे मान लो सेल हो गई वो उसमें मिट्टी वगैरह की रगड़ लगेगी तो वो क्या होगी, क्षतिग्रस्त होगी ना, उसे बनाए रखने के लिए क्या करती है, एक कैप की तरह या उसे एक प्रकार का सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। रूट एपिक्स, एपिकल मेरिस्टेमिक होता है, ठीक है, उसके बाद रूट हेयर और टॉप रूट यानी हार्ड क्षेत्र जो आ गया उसका ये क्या हो गया, टॉप रूट हो गया, उसके बाद लैटरल रूट हो गई, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है इसका स्टेम, जहाँ से वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। वैस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम फ्लोएम जो होता है वो अपना काम करना शुरू कर देता है प्रॉपर रूप से। यहाँ पे भी जाइलम फ्लोएम तो काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जाइलम फ्लोएम, जैसे जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम क्या होता है, ऐसे उत्तक जो क्या है, जल का सेवन होता है, वो क्या है, ऊपर से नीचे से सॉरी ऊपर लेके जाते हैं, वो कौन से हो गए, जाइलम हो गए। फ्लोएम क्या होता है, यानी ऐसे टिश्यू जो कि क्या होता है, फूड को क्या है, जहाँ भी फूड अगर लीफ में बन रहा है तो लीफ से क्या है, प्लांट के अदर अदर पार्ट्स क्या है पहुँचाने का काम करता है, वो कौन सा होता है, फ्लोएम पाया जाता है। इसके बाद क्या हो गई, इसकी नोड और इंटरनोड हो गई, यहाँ पे लगी हुई जो इंटरनोड, जैसे इनने यहाँ पे ये नोड है और इन दोनों के बीच का जो एरिया वो क्या है, इंटरनोड है, ये लीफ है और ये कौन सा है, एपिकल बड अपने कह सकते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू की जो होती है वो बनी हुई पाई जाती है। ऊपर का पार्ट हो गया, यहाँ से क्या है, या तो फ्लावर जो होते हैं वो निकलते रहते हैं जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता है, या फिर क्या है, अगर उसकी मैच्योर स्टेज आ गई यानी परिपक्व एरिया आ गया तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लोरिंग जो होती है वो करना शुरू कर देता है। तो ये था इसका डायग्राम, ये रूट का, जैसे मान लो रूट कैप का डायग्राम और रूट जहाँ से शुरू होती है उसका डायग्राम जो है मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद बात करते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा टिश्यू जो क्या है, बार बार डिवाइडेशन होता रहता है और सेल की वृद्धि जो होता है वो करता रहता है। जाइलम और फ्लोएम की अगर अपने बात करें तो इसका मैं विस्तार से आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताऊंगी कि जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं। वैस्कुलर बंडल नॉर्मल सा आपको हिंट दे देती हूँ कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है, ऐसे टिश्यू जो कि क्या होता है, जैसे जाइलम फ्लोएम होता है वो इस तरह से लगे होते हैं, जैसे ये जाइलम फ्लोएम, यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये एक रिंग में बने हुए होते हैं, ठीक है, एक अपने कह सकते हैं टिपिकल एक स्ट्रक्चर नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं या फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि क्या है, पूरी तरह से अपनी स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर प्लांट की जो अंदर की प्रोसेस होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसे कायम रखने के लिए क्या होते हैं, एक कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। बीच की सेल होती है इसे अपने बोलते हैं पिथ, यानी बीच में मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है जिसे अपने बोलते हैं पिथ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे अपने पिथ क्या होता है, वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, रूट की टीएस कार्ड, स्टेम की टीएस कार्ड, इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे, कल अपने पढ़ेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है सेल की पूरी तरह से क्या, यानी सेल में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, किस टाइप में से क्या होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं वो पाए जाते हैं, या फिर इसमें जैसे ऑर्गन की बात करें, सेलुलर ऑर्गन,
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ईआर हो गई, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गई, ये कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, अलग अलग प्लांट में इनकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उन सब के बारे में क्या है अपने कल डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो अपना लेक्चर है वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। कल अपने प्लांट सेल के जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज अपनों ने पढ़ा कि क्या है प्लांट सेल, क्या होती है कि एक प्रकार की प्लांट सेल क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट अपने कह सकते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो किस तरह से काम करती है। प्लांट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तीन भागों में डिवाइड होता है, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उनके बारे में बात की थी। कल अपने पढ़ेंगे प्लांट सेल क्या होती है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।